नमस्कार, हमारे स्पेशल शो बात बिहार की में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूं परमवीर सिंह। आज हम बात बिहार की राजनीति की करेंगे और राजनीति में स्पेशल बात होगा थर्ड फ्रंट का, मतलब थर्ड फ्रंट का जो चर्चा चल रहा है इन दिनों, इसको हवा दिया है जाप सुप्रीमो और मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने। उन्होंने बिहार की राजनीति में थर्ड फ्रंट का चर्चा की शुरुआत उन्होंने की है और इसकी बात इस रूपरेखा में देखा जा रहा है कि थर्ड फ्रंट में अगर पप्पू यादव के साथ चिराग पासवान और कांग्रेस शामिल हो जाए तो बिहार का समीकरण क्या होगा। और कुछ दिन पहले ही पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने प्रोजेक्ट किया था और उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो कुछ भी करेंगे। और उन्होंने कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस बिहार में अभी तक जो है वो सहयोगी की भूमिका में रही है और एक तरह से उनकी जो बिहार की राजनीति है कांग्रेस की, वो अनुकंपा की रही है। अगर कांग्रेस चाहे तो हम लोग बिहार में तीसरे मोर्चे का निर्माण करके बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। अब इसी को लेकर जब कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह सब बात बकवास है, थर्ड फ्रंट की चर्चा अभी हो ही नहीं सकती, हम लोग महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं और कोई भी फैसला कांग्रेस आलाकमान करती है, दिल्ली में इसका आकलन होता है, उसके बाद कांग्रेस आलाकमान इसका फैसला करती है कि बिहार में आखिर क्या कुछ होगा। वहीं जदयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि पप्पू यादव कुछ भी बोल देते हैं, उनके बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर समीकरण की बात करें, अगर लोजपा जाप और कांग्रेस एक साथ होकर चुनाव लड़ती है और तीसरे मोर्चे का निर्माण करती है तो बिहार की राजनीति में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका आकलन करना जरूरी है। क्योंकि एक बात तो सच है कि बिहार में जात की राजनीति होती है, इसे हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते और चुनाव में जातीय फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको सभी राजनीतिक पार्टियाँ इसे बहुत सीरियस लेती हैं और इस समीकरण का खासा ख्याल रखा जाता है। तो अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो चिराग पासवान जाति से आते हैं और इनकी आबादी बिहार में लगभग 5% है और कहा जाता है कि रामविलास पासवान यानी कि लोजपा जिस गठबंधन के साथ होता है यह जाति उधर ही वोट करती है। लेकिन अगर हम जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की बात करें तो ये यादव जाति से आते हैं और बिहार में यादव जाति खास करके लालू प्रसाद यादव के साथ हैं यानी कि राजद के साथ हैं। तो ऐसे में पप्पू यादव के साथ यादव समुदाय खुलकर नहीं है, हालांकि जो लालू प्रसाद यादव से नाराज हैं वो यादव कहीं ना कहीं पप्पू यादव के साथ हैं। और दूसरी बात अगर हम कांग्रेस की करते हैं तो कांग्रेस में एक तरह से कहा जाए तो जो पहले कांग्रेस थी वो सवर्णों की पार्टी मानी जाती थी बिहार में, खास करके भूमिहार राजपूत और ब्राह्मण का दबदबा था इस पार्टी में। लेकिन धीरे धीरे ये सभी जातियाँ कांग्रेस से शिफ्ट होती चली गई और इनका जो कोर वोट था जैसे ब्राह्मण और भूमिहार और राजपूत, ये भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गई। इस कारण से अगर देखा जाए तो कांग्रेस का कोई जमीनी स्तर पर जातीय स्तर पर आधार नहीं है बिहार में। हाँ, वहीं अगर जो ब्राह्मण और भूमिहार राजपूत भाजपा से नाराज होते हैं, एनडीए से नाराज होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना सपोर्ट महागठबंधन या कांग्रेस को जरूर देते हैं। तो अगर इनका जातीय आंकड़ा की हम बात करें तो बिहार में यादव जाति का वोट प्रतिशत 13% है, वहीं भूमिहार 4.7% हैं, वहीं अगर ब्राह्मण की बात किया जाए तो 5.7% इनकी आबादी है, वहीं राजपूत जाति की बिहार में आबादी 5.2% है। इन जातियों का अगर हम बिहार में कुल आंकड़ा देखें तो ये 30% के आसपास हो रही है। तो उसमें भी अगर बहुत सा जो कोर वोटर है ब्राह्मण राजपूत और जो सोन वोटर हैं वो खुल करके उनका जो बेस समर्थन है वो भाजपा को वो लोग वोट करते हैं, तो ऐसे में ये समीकरण फिट नहीं बैठ रहा है। कहा जा सकता है कि ये अगर गठबंधन हो भी जाता है तो यह पार्टी या यह गठबंधन बिहार के राजनीतिक समीकरण में कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं करेगी। हाँ, अगर ये गठबंधन बनता है तो कहीं ना कहीं बिहार एनडीए को ही फायदा होगा और महागठबंधन को घाटा का सामना करना पड़ेगा। खैर, बिहार की राजनीति
जातीय आधार पर होती है, इसे हम लोगों को मानना होगा। और लोकतंत्र में जनता तय करती है कि किसे जीतना है और किसे हारना है, और राजनीति क्या होगा ये जनता के हाथों में है। और आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होना है, और चुनाव के साथ ही आगे क्या होगा वो सब तय हो जाएगा। बिहार एनडीए एक बार फिर से सरकार में आती है, या महागठबंधन का सरकार बनता है, या फिर तीसरा मोर्चा कुछ कमाल करती है, या तीसरे मोर्चे का निर्माण भी होता है, तो ये सब आगे आगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। बहरहाल अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें, और ऐसे ही आगे जो भी अपडेट होगा हम रोज़ की तरह बात बिहार की अपने स्पेशल शो में बिहार की जो चर्चा होगी, राजनीतिक चर्चा होगी, सामाजिक चर्चा होगी, या कोई भी आर्थिक बात होगा बिहार के विकास के लिए वो बात जरूरी होगी, ये हम जरूर करेंगे। धन्यवाद।